हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर मान बोरसे एंड आज जो हम डिस्कस करेंगे वो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो टॉपिक है, वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें अपने को क्या है, दो पढ़ना है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके फीमेल रिप्रोड और दूसरा जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फिर उसके फंक्शंस हैं, है ना। तो आज हम डिस्कस करेंगे वो कौन सा टॉपिक है, वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, उसमें हम डायग्राम से देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम जो उसमें वास जो टेस्टिस है वो देखेंगे, है ना। उसके स्ट्रक्चर में टेस्टिस है और यूरिनरी ब्लेडर है, उसमें वास डिफरेंस है, सेमिनल वेसाइकल्स है और है ना, और पेनिस जो है वो एक्सटर्न जो जेनाइटल ऑर्गन है तो उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। और कूपर सेल्स है ना, कूपर सेल्स के बाद अपनी जो है वो प्रोस्टेट ग्लैंड। तो ये जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें जो जो उसके पार्ट्स इंक्लूड हैं तो वो अपने को मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखना है। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखो आज का टॉपिक अपना कौन सा है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक, आज का अपना जो टॉपिक है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इसमें हम डायग्राम से देखते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखो जो मेन जो पार्ट अपना जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो पार्ट है वो अपना क्या होता है, वो अपना जो पार्ट होता है वो जैसे मेल की बात करेंगे तो टेस्टिस जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो देखते हैं अपन टेस्टिस में, देखते हैं ये स्ट्रक्चर पे देखो क्या क्या पार्ट है इसमें जो है, ये अपना क्या होता है, ये अपना होता है टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस कितने होते हैं अपने बॉडी में जो है, टेस्टिस जो है एब्डोमिनल जो पार्ट जो पेट के जो नीचे में जस्ट में जो है वो हैंग जो होता है, लटका हुआ जो होता है वो अपना क्या कहलाता है, वो टेस्टिस कहलाता है। टेस्टिस कितने होते हैं, 2 टेस्टिस होते हैं। ठीक है, अब जो है टेस्टिस जो है वो किसमें प्रेजेंट होता है, वो स्क्रोटम में। उसकी जो टेस्टिस की जो बाहरी जो लेयर होती है वो कौन सी, उसमें किसमें प्रेजेंट होता है, वो स्क्रोटम कहलाता है, स्क्रोटम। ठीक है, तो स्क्रोटम में अपना जो है वो टेस्टिस प्रेजेंट होता है। उसके बाद देखो टेस्टिस हो गया ये, इसके बाद इसका जो है टेस्टिस के इंटरनली जो है यहाँ पे जो है वो ट्यूबुलर टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ट्यूबुलर टाइप का जो स्ट्रक्चर जो होता है इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं एपिडीडाइमिस। क्या बोलते हैं इसको, एपिडीडाइमिस। ठीक है, एपिडीडाइमिस बोलते हैं। एपिडीडाइमिस जो है, एपिडीडाइमिस का काम क्या है, जो स्पर्म जो है, टेस्टिस क्या है, किसका प्रोडक्शन करता है, टेस्टिस जो है वो मेल में जो है वो स्पर्म का प्रोडक्शन करता है जिससे स्पर्मेटोजोआ बनता है। और जो है दूसरा जो है जो हार्मोन एक जो प्रोड्यूस करता है वो दूसरा कौन सा है, वो टेस्टोस्टेरोन। जो एपिडीडाइमिस है, एपिडीडाइमिस से क्या होता है, यहाँ पे जो यहाँ से जो है स्पर्म जो है वो सिक्रीट होते हुए जो सिक्रीट का प्रोडक्शन होता है टेस्टिस का, और यहाँ पे क्या एपिडीडाइमिस में वो स्टोर होता है। ठीक है, स्टोर क्या होता है, स्पर्म स्टोर होता है एपिडीडाइमिस में, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एपिडीडाइमिस बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो यहां तक जो है ये अपना क्या है, ये एपिडाइमिस में स्टोर हुआ। और ये जो एक लेयर होती है ये डक्ट होती है ना, ये डक्ट के थ्रू स्पर्म कहाँ पे जाता है, स्पर्म जो है ये अपना क्या है, यूरिनरी ब्लेडर है। ये अपना ये यूरिनरी ब्लेडर होता है, यहाँ से अपने यूरिन पास आउट होती है और यहीं से जो है यहाँ से कैसा स्पर्म जाता है। ठीक है, स्पर्म यहाँ से जाता है। ये अपनी क्या है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। ठीक, ये अपना क्या होता है, सेमिनल वेसाइकल, ये अपने सेमिनल वेसाइकल कहलाता है। ये अपनी प्रोस्टेट ग्लैंड यही होती है, ये जो है वो कूपर ग्लैंड है। ठीक है, ये कौन सी है, ये कूपर ग्लैंड होती है। कूपर ग्लैंड इसी को अपन क्या बोलते हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। और ये जो है ये डक्ट जो जाती है, ये यहाँ से जो स्पर्म गया है ना, और यहाँ के बाद जो है यहाँ से स्पर्म जाते हुए जो ये डक्ट के थ्रू जो जाता है। ठीक है,
ये डक्ट जो है, ये डक्ट के थ्रू जो स्पर्म जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं, वास डिफरेंस, ठीक है। उस डक्ट का नाम क्या है, वास डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ से जो स्पर्म जाते हुए, ये यहाँ से आते हुए यूरिनरी ब्लेडर से आते हुए, ये अपनी क्या है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड यहाँ पे, यहाँ पे जो आता है, तो यहाँ तक इसको अपन स्पर्म ही बोलते हैं। जो इसके पहले, जो प्रोस्टेट ग्लैंड के पहले, जो सामान्य वेसिकल्स के पहले, जो यहाँ तक जो आता है, ये डक्ट के थ्रू, डक्ट के थ्रू यहाँ तक जो ट्रेवल करता है उसको अपन क्या बोलते हैं, वो स्पर्म कहलाता है, ठीक है। लेकिन जैसे बात सामान्य वेसिकल्स जो फ्लूड है, जैसे सामान्य वेसिकल्स फ्लूड में जैसे इंटर करता है, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, वो उसी को अपन क्या बोलते हैं, वो उसको उसको बोलते हैं सीमेन बोलते हैं, ठीक है। ऊपर जो है, यहाँ तक जो आता है, जो बिफोर द सेमाइनल वेसाइकल, बिफोर द सेमाइनल वेसाइकल, उसको अपन क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं। और जैसे सेमाइनल वेसाइकल जो फ्लूड है, फ्लूड से वो सिक्रीट होता है, जैसे इंटर आ करता है, तो उसके बाद से जो इजेकुलेटरी, जो इजेकुलेटरी डक्ट में जैसे इंटर करता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको सीमेन बोलते हैं, ठीक है। इसके पहले जो मैं इसमें हर एक जो जितने भी पार्ट्स है अपने, टेस्टिस है, वॉस डिफरेंस क्या है, ऊपर ब्लेड क्या है, है ना, ऊपर ब्लेड क्या है, उसके बाद सेमाइनल वेसाइकल क्या है और प्रोस्टेट ग्लैंड के, उसमें हर एक के बारे में उसको डिस्क्राइब से अपन देखेंगे एक एक पार्ट, वो वन बाय वन, है ना। देखो इसमें, इसके पहले जो है, फर्स्ट में अपन देखते हैं टेस्टिस के बारे में, अपने को और जानना है, ठीक है। टेस्टिस क्या होता है, टेस्टिस जो है अपने क्या सिचुएशन होता है, जो एब्डोमिनल जो पार्ट है, जो एब्डोमिनल वाला जो पार्ट है, वो उसके पेट के जस्ट नीचे में अपने क्या है, दो टेस्टिस होते हैं, और टेस्टिस की जो किस में प्रेजेंट होता है, वो स्क्रोटम में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अपन ये देख लेते हैं, ये मैंने बनाया हूँ टेस्टिस, ठीक है, ये देखो टेस्टिस, इसमें टेस्टिस में देखो, ये मैंने टेस्टिस बनाया हूँ, टेस्टिस जो, ये टेस्टिस में, तो इसका ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक जो है, इसको अगर अपन जो इसमें सेक्शन करेंगे, माइक्रोस्कोपिक जो इसको स्टडी करते हैं, तो इसमें अलग अलग जो है उसका असल डिसेक्शन वाइज अपन स्टडी, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में जो है ये टेस्टिस होता है। ये जो टेस्टिस जो है, टेस्टिस को अपन जैसे दोनों जो टेस्टिस उसको कट करके देखते हैं, उसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं, स्टडी करके देखते हैं, तो अपने को ये सब चीज़ देखिए, ठीक है। ये जो है अपना टेस्टिस होता है, टेस्टिस के अंदर में क्या है, जो ये ट्यूबुलर टाइप के जो स्ट्रक्चर होते हैं, ये देखो इसमें ट्यूबुलर टाइप का जो स्ट्रक्चर है ना, ये हर जो है इसमें ट्यूबुलर टाइप का जो स्ट्रक्चर है, वो क्या होता है, ये ट्यूबुलर टाइप का स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूबुलर, ठीक है, सेमिनिफेरस, सेमिनिफेरस जो है वो उसको ट्यूबुलर बोलते हैं, ठीक है, सेमिनिफेरस उसको ट्यूबुलर बोलते हैं। यहाँ पे क्या है, स्पर्म होता है, यहाँ पे क्या होता है, स्पर्म होता है, ठीक है। जो सेमिनिफेरस जो जो ट्यूबुलर टाइप का जो स्ट्रक्चर है, इस पर क्या पाया जाता है, प्रेजेंट स्पर्म पाया जाता है। उसके बाद जो देखो, ये बीच वाला जो यहाँ पे जो पार्ट होता है, उसके बीच में क्या होता है, जो ट्यूबुलर जो स्ट्रक्चर के बीच में जो है अपना क्या होता है, इंटरस्टीशियल सेल, उसमें के बीच में क्या होते हैं, इंटरस्टीशियल सेल्स होते हैं। इंटरस्टीशियल सेल्स को ये अपन क्या बोलते हैं, लीडिंग सेल बोलते हैं, ठीक है, लीडिंग सेल उसको बोलते हैं। यहाँ से जो है लीडिंग सेल से जो है, जो इंटर लीडिंग सेल से अपना क्या होता है, जो जो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वो कैसा होता है, उसका प्रोडक्शन होता है, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का प्रोडक्शन होता है यहाँ पे, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का कहाँ से प्रोड्यूस होता है, तो कौन सी सेल से होता है, वो लीडिंग सेल से होता है। और जो यहाँ पे जो टेस्टिस में जो सेमिनिफेरस जो ट्यूबुलर जो स्ट्रक्चर होता है, उसमें क्या है, स्पर्म प्रेजेंट होता है। उसके बाद देखो, ये स्पर्म जो प्रेजेंट होता है, उसके बाद जो है अपना स्पर्म ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के थ्रू जो जाता है, और यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या है, अलग जो ट्यूबुलरी टाइप का स्ट्रक्चर है ये, तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर जो होता है, यहाँ पे क्या है, स्पर्म क्या होता है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, एपिडिडाइमिस, जो उसका जो अपर ऊपर साइड का जो टेस्टिस के अपर लेयर जो होती है, उसी में जहाँ पे क्या स्पर्म स्टोर होता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एपिडिडाइमिस। तो ये अपना क्या है, एपिडिडाइमिस, ठीक है, एपिडिडाइमिस में क्या होता है, स्पर्म स्टोर होता है, ठीक है। उसके बाद जो है,
ये हो गया। अब इस देखो ये जो है अपना क्या है स्पर्म है, जो है टेस्टिस, जो है टेस्टिस से क्या क्या प्रोडक्शन होता है, टेस्टिस से जो स्पर्म मेटाजोआ का प्रोडक्शन होता है, साथ में जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का भी जो है प्रोडक्शन होता है। तो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन जो होता है वो क्या है, जो सेक्सुअल मेल सेक्सुअल कैरेक्टर है उसको जो है वो शो करता है, ठीक है, उसको क्या है कैरेक्टराइज वो में आता है, जो कि उसको क्या है जो फीमेल से है, फीमेल से उसको डिफरेंस जो करने वाला जो हार्मोन होता है वो कौन सा होता है, वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जैसे अपनी जैसे मेल में जैसे बियर्ड आना, हेयर जैसे दाढ़ी मूछे आना है ना, बियर्ड हो गया, और ज़्यादा मात्रा में जैसे हेयर का प्रोडक्शन होता है, और जो बोन की जो डेंसिटी क्या है वो लार्ज होना, बोन की डेंसिटी कैसे फीमेल की अपेक्षा जो है ज़्यादा होना, तो वो सब चेंजेस किसके थ्रू आते हैं, वो थ्रू जो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है, जो प्यूबर्टी स्टेज में अपन जैसे जाते हैं तो तब वो सेकेंडरी सेक्सुअल जो है वो डेवलपमेंट होता है, वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से ही डेवलपमेंट होता है। तो ये जो है ये अपने टेस्टिस देखे, टेस्टिस में अपने को पता है कि इंटरस्टिशियल सेल्स होती, लीडिंग सेल्स होती हैं, लीडिंग उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वो कौन सी सेल से प्रोडक्शन होता है, तो अपने किससे, लीडिंग सेल से प्रोडक्शन होता है। उसके बाद जो है स्पर्म को कहाँ पे पाया जाता है, स्पर्म कहाँ पाया जाता है, सेमिनिफेरस जो ट्यूबुलर होते हैं उसमें पाया जाता है, और सेमिनि जो स्पर्म कहाँ स्टोर होगा, जो स्टोर होता है तो कहाँ पे होता है, वो एपिडाइमिस में, क्वेश्चन आते हैं एपिडाइमिस में जो स्पर्म कहाँ पे स्टोर होता है, तो अपने को क्या बताना है, एपिडाइमिस में स्टोर होता है। तो टेस्टिस जो है, टेस्टिस अपन ने इसमें देखे अपन ने, उसके बाद जो है मैं और टेस्टिस के बारे में बताता हूँ। टेस्टिस के बारे में एक बार ये देखना, जो टेस्टिस जो है, टेस्टिस कैसा जो है वो हमेशा जो जैसे जो है जैसे एब्डोमिनल जो है स्टमक जैसे एब्डोमिनल पेट के नीचे में जो लटके रहते हैं, तो वो क्या है, वो जो है वो उसमें क्वेश्चन हर एक कोई भी पूछा जाता है, आता है क्वेश्चन कि जो जो टेस्टिस हैं या जो स्क्रोटम है वो बॉडी के बाहर जो लटके रहते हैं यानी कि जो हैंगिंग होते हैं, तो वो उनको बाहर ही क्यों रखा जाता है, ऐसे अधिकतर जो है क्वेश्चन उसमें आता है। तो जो टेस्टिस जो आउटर जो पार्ट्स यानी कि बॉडी के बाहर ही उसमें हैंग टाइप के रहते हैं, लटके रहते हैं जो टेस्टिस है, तो उसमें जो वो किस लिए होते हैं यानी कि वो जो है बाहर क्यों रहता है, तो उसमें क्या है जो भी जो स्पर्म का जो प्रोडक्शन होता है, तो जो बॉडी का जितना जो टेम्परेचर होता है उसे 2 या 3 डिग्री जो है टेम्परेचर जो है वो स्पर्म के जो प्रोडक्शन के लिए कम होना चाहिए, जो बॉडी का जितना अपना टेम्परेचर है, क्यों उसमें क्यों उसको बाहर ही लटके रहते हैं, क्योंकि जो बॉडी का जो नॉर्मल जो टेम्परेचर जितना टेम्परेचर होता है उसे 2 या 3 डिग्री अपना टेम्परेचर कम होना चाहिए स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए, तब जाके वो अच्छी क्वालिटी का वो स्पर्म बनेगा, ठीक है। तो 2 या 3 डिग्री जो है वो टेम्परेचर कब कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए अपनी बॉडी से, 2 या 3 डिग्री जो है वो टेम्परेचर अपना कम होना चाहिए स्पर्म का प्रोडक्शन होने के लिए। तो स्पर्म का प्रोडक्शन जो बॉडी का जो जितना टेम्परेचर है उसे जैसे कम 2 या 3 डिग्री टेम्परेचर कम होना चाहिए, तो वहाँ का जो टेम्परेचर है कैसा होता है स्क्रोटम का, 2 या 3 डिग्री जो है आउटर जो है अपनी बॉडी के जो आउटर में जो जो टेस्टिस जो है वो हैंग होता है लटका रहता है, तो वो क्या है उससे 2 या 3 डिग्री जो है बॉडी के टेम्परेचर से कम रहता है, जिससे क्या है स्पर्म का प्रोडक्शन अच्छी क्वालिटी का स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, उसी की वजह से वो बाहर लटके हुए होते हैं, ठीक है। 2 या 3 डिग्री जो है वो अपना क्या होना चाहिए, वो बॉडी का जो टेम्परेचर उससे कम होना चाहिए, ठीक है। तो वो इसी वजह से जो है बाहर जो है स्क्रोटम में जो अपने टेस्टिस जो है वो लटके रहते हैं, ठीक है। तो अपना जो है ये अपना हो गया 2 या 3 डिग्री जो है वो अपना कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए बॉडी का टेम्परेचर। इसके बाद देखो अपन जो ट्यूबुलर जो है, ट्यूबुलर जो स्ट्रक्चर में जो है कैसा रहता है वो टेस्टिस जो है उसका जो स्पर्म का जो प्रोडक्शन होता है वो कैसा रहता है, वो इनएक्टिव रहता है, ठीक है। वो कैसा इनएक्टिव रहता है जिसे इसमें बता रहा हूँ, ये अपना क्या है, ये अपना टेस्टिस है। टेस्टिस में क्या है, ये अपना न्यूक्लियस होता है,
उसके बाद फिर ये जो क्या होता है वो साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, साइटोप्लाज्म फ्लूड, साइटोप्लाज्म फ्लूड होता है, ठीक है। उसके बाद जो साइटोप्लाज्म जो फ्लूड होता है ये कैसा रहता है वो, ठीक है, ऐसा रहता है, ठीक है। लेकिन जो है फीमेल जो एक में फर्टिलाइज होने के लिए जो है वो अपना क्या है, टेस्टिस जो है, स्पर्म जो है, स्पर्म कैसा रहेगा, ये इस टाइप का रहेगा, हेड टाइप का रहेगा, ठीक है। तो ये अपना क्या है, ये जो पार्ट है अपना, ये स्पर्म कहलाता है। तो स्पर्म में जो ये आगे वाला जो पार्ट क्या कहलाता है, वो हेड, हेड कहलाता है। बीच वाला पार्ट अपना क्या कहलाएगा, वो अपनी बॉडी कहलाता है। और जो लास्ट वाला जो पार्ट है वो अपना क्या कहलाएगा, टेल, ठीक है। अब जो ये हेड के, हेड में जो है आगे साइड में जो है, हेड में अपना क्या पाया जाता है, वो एक्रोसोम पाया जाता है, एक्रोसोम, एक्रोसोम पाया जाता है। बीच में जो है यहाँ पे जो है ये अपना क्या है, ये बॉडी है। अब जैसे यहाँ पे जो ये जो है फर्टिलाइज जो अपना जो क्या है, ये फीमेल की एक के लिए जो स्पर्म जो है अपन उसको फर्टिलाइज कराना है, तो ये अपने बीच में क्या होता है, यहाँ पे बॉडी, बॉडी में क्या है जो उसको क्या है, जो ट्रेवल जो लंबा ये क्या है ज़्यादा जाना पड़ता है, यहाँ तक टेल तक जाना पड़ता है, तो उसको क्या है ज़्यादा टाइम तक जो स्पर्म है उसको क्या है ज़्यादा टाइम तक उसको क्या है ट्रेवल करने का ज़्यादा टाइम रहता है, यानी कि ज़्यादा टाइम तक ट्रेवल करना पड़ेगा। तो टेल में जो है उसको मूवमेंट को कैसा रखेगा, वो सॉफ्ट रखेगा, ठीक है। मूवमेंट कैसा रहेगा उसका, सॉफ्ट मूवमेंट रहेगा उसका, क्योंकि उसको ज़्यादा टाइम तक ट्रेवल करना है, ठीक है। उसके बाद जो बॉडी है, ये बीच वाला जो पार्ट बॉडी यहाँ पे बीच में क्या होता है, उसको एनर्जी प्रोवाइड करके उनके ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक उसको डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल करना है, उसको क्या है यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जिसकी वजह से क्या है उसको जो बॉडी जो है ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो एनर्जी की भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी, तो जो एनर्जी उसको रिक्वायरमेंट कौन देता है, उसको माइटोकॉन्ड्रिया देता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया से उसको एनर्जी प्रोवाइड होती है। उसके बाद जो है जो यहाँ से ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो लास्ट वाला जो पार्ट अपना क्या कहलाता है, टेल कहलाता है, टेल कहलाता है, टेल पार्ट कहलाता है। और टेल जो है वो जो ज़्यादा ट्रेवल करना है तो डिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो मूवमेंट को कैसे रखता है वो, उसको सॉफ्ट मूवमेंट कर, सॉफ्ट जो मूवमेंट प्रदान कैसे करता है, सॉफ्ट करता है। उसकी वजह से जो है ये अपना क्या, इस साइड में जो है वो अपना क्या है, ये जो फीमेल एग रहता है, फीमेल एग को यहाँ पे जो आता है तो ये अपना क्या है, हेड वाला जो पार्ट कहलाता है, स्पर्म का ये हेड वाला पार्ट। अब इसको अपन को फर्टिलाइज कराना है, तो यहाँ पे जो है इसकी क्या है, जो फीमेल जो एग है उसकी जो आउटर लेयर जो होती है, आउटर लेयर को अपने को क्या है वो एक्रोसोम जो है, आउटर लेयर को उसको क्या है वो ब्रेक डाउन तोड़ने का काम करता है, और जो है वो फर्टिलाइज फिर कराता है। तो ये क्या है, जो जो ब्रेक डाउन कौन करता है, वो उसका जो हेड वाला जो पार्ट है एक्रोसोम, ये एक्रोसोम जो है वो उसको क्या है, उसको ब्रेक डाउन करेगा, और जो फीमेल एग से वो स्पर्म जो है वो कैसा होगा, वो मिलके वो क्या है, वो फर्टिलाइज होगा, ठीक है। तो फर्टिलाइज होता है, तो ये जो इसकी क्या है, उसकी प्रोसेस कहलाती है, ठीक है। तो अपना ये नॉर्मल जो टॉपिक था वो क्या है, उसमें टेस्टिस में जो है, जो है अपन क्या है स्पर्म के बारे में पढ़ते हैं, तो कैसे फर्टिलाइज होती है और कौन कौन से जो पार्ट्स इंक्लूड होते हैं, तो वो इसमें था, है ना।